हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकितास चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन अब तक आ जाएं। तो आज हम बनाएंगे ग्रीन चटनी, हरे धनिए की चटनी बनाएंगे। हरे धनिए की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप के आसपास हरा धनिया ले लिया है फ्रेश। उसके बाद यहाँ पर इमली ले ली है, इमली को मैंने बॉईल कर दिया है और उसकी सीड्स निकाल दी हैं। फिर यहाँ पर धनिया, ये लहसुन ले ली है, थोड़ी सी जिंजर, जीरा पाउडर, सॉल्ट, 2 हरी मिर्च और 1 प्याज ले लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ग्रीन चटनी। मिक्सिंग जार में अब हम डाल देंगे पहले हरा धनिया। नेक्स्ट टू दिस मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्च, प्याज, लहसुन की कलियां, अदरक, जीरा पाउडर और अराउंड 1/2 टीस्पून नमक एंड इसमें फाइनली हम ऐड कर देंगे हमारी टैमरिंड यानी कि इमली और ज़रा सा पहले पानी ऐड कर देंगे, एकदम ज़रा सा। बस इसको अब हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। तो ये फर्स्ट ब्लेंड है, फर्स्ट ब्लेंड में फ़िलहाल ऐसा पोजीशन है, हमें इसको और ब्लेंड करना है। थोड़ा सा मैं इमली वाला पानी डाल दूंगी इसमें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी मेजर मीन्स कितना है सब मेंशन कर दिया है। रिमेनिंग जो हमारा पानी है इमली का, मैं वो भी ऐड कर दूंगी और इसको ब्लेंड कर देंगे हम। तो अभी आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है, बट इसमें मुझे सॉल्ट थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट और ऐड कर दिया। ओके, देख रहे हैं आप हमारी ग्रीन चटनी, टमाटो चटनी, सॉरी ग्रीन चटनी, कोरिएंडर चटनी बनकर रेडी है। टमाटो मुझे इसलिए याद आया क्योंकि नेक्स्ट अब मुझे टमाटो चटनी बनानी। मेजरमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप भी बनाइए, ज़रूर बताइए कैसा रहा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।